वेलकम बैक टू द वीडियो। आपको व्हाट्सएप की चैट में दिख रहा होगा ये घड़ी का जो आइकन आ रहा है। अब बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं व्हाट्सएप से रिलेटेड जितनी वीडियोस बनाता हूँ कि घड़ी का आइकन आता है वो क्या है, कैसे आ रहा है, हटाना है तो कैसे हटेगा, और ये दूसरे की पे क्यों आ रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम इसी सवालों के जवाब देंगे एंड आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ ये घड़ी का आइकन क्या है, कैसे हटाना है, कैसे आएगा, कैसे लगा सकते हो, सब कुछ सिंपल से तरीके से बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है बिना स्किप किए। करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन और वीडियो पसंद आया वीडियो को यस लाइक कर देना, चैनल को अभी कर दो सब्सक्राइब। अब बात कर लेते हैं ये घड़ी का आइकन क्यों आता है। उसके लिए लेके चलता हूं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। यहां से हम आ गए अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। अब आपको मैं दिखाऊं तो ये दिख रहा होगा आपको कुछ, यहां पे आप देखो ये जो घड़ी का आइकन आ रहा है। अब ये आइकन आता क्यों है, क्या है, कैसे, सब कुछ इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए करने देखना आपको। ओके, तो जैसे ये इस पे आ रहा है, पहले तो हम रीजन बता देते हैं ये आता कैसे है। मैंने ये खुद जानबूझ के लगाया हुआ है अपने इस पे कि मेरा जो मैसेज है वो अपने आप कुछ घंटे बाद डिलीट हो जाए। उसके लिए आपको यहाँ से सेटिंग करनी है। आप जाओगे, जैसे आप इसकी प्रोफाइल खोलोगे, ये आप देख सकते हो यहाँ की जो प्रोफाइल पिक्चर है उस पर भी ये घड़ी का आइकन दिख रहा है। अब इसको हटाना कैसे और ये लगाया क्यों वो बताता हूं। इस पर टैप करेंगे हम प्रोफाइल आइकन पे। ओके, एंड जैसे टैप करेंगे सबसे ऊपर जाएंगे, इसको हल्का सा ड्रैग डाउन करके ऊपर करो एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डिसअपीयरिंग मैसेज का, दिख रहा है। मैंने 24 आवर्स के लिए डिसअपीयरिंग मैसेज लगाया हुआ है। तो डिसअपीयरिंग में आप इसको कितना भी कर सकते हो। ये एक प्राइवेसी फीचर है जो व्हाट्सएप बहुत ही ज्यादा टाइम से लाने की कोशिश कर रहा था। स्नैपचैट पे ये ऑलरेडी है, इसको आप कैसे लगा सकते हैं एंड दूसरे ने लगाया वो कैसे लगेगा, आपको वो दिखेगा कैसे, सब बता देता हूँ। तो यहाँ से हम इसको 24 आवर्स के लिए लगा सकते हैं, यहाँ से हम इसे 7 days, 90 days एंड ऑफ कर। जैसे हम इसे ऑफ करेंगे अब यहाँ से आप देखोगे तो वो हट जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो वो हट चुका है, राइट। अब यहाँ पे भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह आप इसे हटा सकते हो अगर आप हटाना चाहते हो। अगर लगाना चाहते हो तो वापस से आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी यू हैव अपडेटेड द मैसेज टाइमर, न्यू मैसेज विल डिसअपीयर फॉर दिस चैट 24 आवर्स आफ्टर दे हैव बीन सेंड। ओके, मतलब आप जैसे ही सेंड करोगे 24 घंटे के बाद वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। एंड इसी के साथ साथ मैंने उसे टर्न ऑफ कर दिया है कि मेरा मैसेज 24 घंटे के बाद डिलीट नहीं होना चाहिए। अब ये सामने वाले पे भी हमें दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ से लगा देता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ मैसेज कैसे होगा। तो सबसे नीचे जाके आपको इसको ऑन करना है, डिसअपीयरिंग मैसेज पर जाके टर्न ऑन कर लो। फोर मैं 24 आवर्स के लिए लगा देता हूँ। ओके, एंड इसे बैक कर देता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं कोई मैसेज भेजता हूँ, कोई भी मैसेज आपके सामने मैंने भेज दिया है मेरे इस पर्टिकुलर मोबाइल पे जो ये रहा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो मैसेज आ गया ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पे मैसेज आया है बट डिसअपीयरिंग का यहाँ पे भी दिख रहा है, आप देख सकते हो ये रहा, यहाँ पे भी आइकन आ रखा है। क्योंकि मैंने लगाया हुआ है इस वजह से यहाँ पे भी आ गया है। अब आप कैसे लगा सकते हो जो वहां पे दिखेगा, देखो अगर मैं इस पे टैप करता हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल पे टैप करता हूँ और सबसे नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे भी डिसअपीयरिंग है। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ एंड वहाँ से भी ऑफ हो जाएगा। ओके, एंड ये मैसेज आप देख सकते हो यहाँ के प्रोफाइल पे जो था ऑलरेडी, इस प्रोफाइल पे जो था वो भी हट गया है, राइट। तो यहाँ से इस ऑलरेडी ये टर्न ऑफ हो गया है। इसको बंद कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। प्रोफाइल पे जाओ, सबसे नीचे आपको जाना है, यहाँ पे डिसअपीयरिंग मैसेज पे जाके इसको 24 आवर्स सेट कर दो। अब 24 आवर्स के बाद जो आपका मैसेज है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो ये इसका काम है एंड उसी के साथ साथ डिसअपीयरिंग मैसेज स्नैपचैट से आया था। व्हाट्सएप काफी इंस्पायर्ड है स्नैपचैट से क्योंकि अब बहुत लोग अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं। मैं कोई यहाँ से अगर मैसेज भेजू और उसी के साथ साथ अगर मैं कोई फोटो भी भेजता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई फोटो, मैं ये वाला फोटो भेज देता हूँ कोई भी। ओके, अब यहाँ पे और आप एक काम और कर सकते हो, अगर आपको डिसअपीयरिंग मैसेज लगाना है तो आप कोई भी, जैसे आपने यहाँ पे ऑन नहीं किया हुआ डिसअपीयरिंग, स्टिल आप चाहते हो कि यार मैं एक मैसेज भेजूँ, एक फोटो भेजूँ और वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाए, तो यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा है 1 का। अगर आप इस पे टैप करोगे तो ये सिर्फ 1 time जाएगा, व्यू 1 होगा, मतलब जैसे ही वो सामने वाला उस फोटो को देखेगा एंड वो फोटो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगी। अब देखो जैसे मैं इस फोटो को यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, ओके, अब वो मैं ये फोटो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ये देखो ओपन एंड ये फोटो यहाँ से जा चुका है। तो ये भी एक तरह का डिसअपीयरिंग व्यू 1 का ही है जो
स्नैपचैट से आया है बट व्हाट्सएप ने इसको ले लिया, अडॉप्ट कर लिया है एंड यही सारी चीजें डिस्प्ले मैसेज के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल में बता दी, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। यही है घड़ी का आइकन, ये काफी अच्छा है, स्नैपचैट बनने की कोशिश की जा रही है। बट यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको ये पर्टिकुलर जो ऑप्शन दिया है, फीचर दिया, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में, अच्छा है या गलत, जो भी जैसा भी लग रहा है आप लिख सकते हो। अनुष के साथ साथ वीडियो बहुत वॉचिंग लगी, वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, गिव इट अ थम्स अप, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।